मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण के करीब एक महीने बाद आखिरकार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट का गठन कर ही लिया। पांच मंत्रियों में से सिंधिया खेमे के दो लोग शामिल हैं, जिसके कारण बीजेपी के कुछ दिग्गज नेताओं की कैबिनेट में एंट्री नहीं हो सकी है। सवाल उठता है कि क्या सिंधिया की वजह से शिवराज अपनों को भूल गए हैं या फिर आलाकमान के आगे बेबस हैं। शिवराज कैबिनेट का गठन अपने साथ बीजेपी के लिए नई मुसीबत लेकर आएगा, इस बात के आसार तो पहले से ही लगाए जा रहे थे। लेकिन बीजेपी ने भी सिंधिया खेमे से दो लोगों को मंत्री बनाकर ये साफ कर दिया है कि अपने भले ही नाराज हो जाएं, लेकिन पार्टी को उपचुनाव तक सिंधिया की बहुत जरूरत है, इसीलिए पार्टी सिंधिया को नाराज करने की बात नहीं सोच सकती। शिवराज सिंह चौहान की पिछली सरकार में मंत्री रहे जिन दिग्गज नेताओं की कैबिनेट में एंट्री नहीं हो पाई है, उनमें विधायक गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, गौरी शंकर बिसेन, विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया, राजेंद्र शुक्ला और रामपाल सिंह जैसे नाम शामिल हैं। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आए बिसाहू लाल सिंह, महेंद्र सिंह सिसोदिया और प्रभुराम चौधरी भी फिलहाल वेटिंग लिस्ट में हैं। बीजेपी में शामिल बाकियों को तरजीह दिए जाने को लेकर एमपी कांग्रेस ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट करके तंज कसा है। बीजेपी के पूर्व मंत्री जो वर्तमान नहीं बन सके, राजेंद्र शुक्ला, अजय बिश्नोई, देवी सिंह सयाम, महेंद्र हाडिया, हरिशंकर खटीक, बिजेंद्र प्रताप सिंह, संजय पाठक, सुरेंद्र पटवा, विश्वास सारंग, भूपेंद्र सिंह, पूर्व होना भी कोई बात है, जयचंदो का जब साथ है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों वाली विधानसभा में सदस्यों की संख्या मंत्रिमंडल में अधिकतम 15% यानी 35 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। फिलहाल शिवराज मंत्रिमंडल में 29 लोगों की जगह बाकी है। ये माना जा रहा है कि बाद में बीजेपी के बाकी दिग्गजों को जगह दी जा सकती है। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले कुछ नेताओं को भी मंत्री बनाया जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे भी मंत्रिमंडल के गठन में शिवराज की बेबसी दिखाई देती है या फिर वो अपने बूते कोई फैसला लेते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।